हेलो गाइस, अभिरीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे सीएफसी बीएलई के लिए गुड न्यूज। आखिर में सीएफसी बीएलई के लिए क्या गुड न्यूज है? जैसे कि आप देख रहे हैं, सीएफसी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जैसे कि डिजिटल सेवा पोर्टल का एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से जैसे कि आप या पीसी या लैपटॉप पे काम करते थे, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल का वहां से काम करते थे, आप आसानी से काम कर पाते थे, उसी प्रकार से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जो कि उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप कई वर्क कर सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के। तो चलिए आज देखेंगे आखिर में प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप जो आया है तो प्ले स्टोर में क्या मिलता है या नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो किस स्थान पे मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे आप प्ले स्टोर पे आएंगे, प्ले स्टोर पे आने के बाद आप जैसे कि डिजिटल सेवा अगर आप लिखते हैं, डिजिटल सेवा अगर आप लिखते हैं तो इस प्रकार से कुछ आता है डिजिटल सेवा के, एक आता है जो कि ये फेक साइट है, आपको यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल पे नहीं आता है। अगर नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे डिजिटल सेवा का आते हैं, लेकिन ये सीएफपी जो अभी ऐप लॉन्च किया है ये ऐप नहीं है। जैसे कि नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो सबसे नीचे ये क्या आ रहा है कि डिजिटल सेवा सीएफपी ई गवर्नेंस आ रहा है, सबसे नीचे में आता है, आपको फर्स्ट में नहीं आ रहा है। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, आपको सीधा सा कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आप यहां से आएंगे सीधा सा लिखेंगे डिजिटल सेवा सीएफपी ई गवर्नेंस। जैसे लिखेंगे तो आपको पहला आता है डिजिटल सेवा सीएफपी ई गवर्नेंस का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पे सीएफपी ई गवर्नेंस लिखने के बाद डिजिटल सेवा, नीचे भी लिखा है सीएफपी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, आपको इसी को डाउनलोड करना है। अभी इसका रेटिंग देख रहे हैं जैसे 4.5 है और डाउनलोडिंग यानी कि 97 MB 0.97 MB का है और 10,000 के यानी 10K कहा जाए कि 10,000 से ऊपर यानी कि प्लस लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं। अब यहां पे देख रहे हैं इंस्टॉल दे रहा है, इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे पूछता है आप वाईफाई से या किस प्रकार से डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके ये मेथड चूज करता है, तो हम ओके करते हैं। जैसे ओके करने के बाद अब होते क्या है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है, मेरा डाउनलोडिंग होता है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद यहां पे हमें ओपन करना होता है। ओपन जैसे करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, डिजिटल इंडिया पहले डिजिटल सेवा लिखा रहेगा, ये लिखने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं जैसे कि अगर लैपटॉप पे आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे खोलते हैं, ये सर्विसेज पहले दिख रहा है, ये लोगो आपको जो थंबनेल आता है ये पहले आता है, ये सारे चीजें आपको दिखाते हैं। तो आप नीचे को स्क्रॉल करके और इसके अबाउट के बारे में भी जान सकते हैं क्या साइट गलत है क्या सही है। तो आपने देखा कि डिजिटल सेवा में हम यहां पे आ गए। अब लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या होगा, लॉगिन करने के लिए आप यहां पे थ्री लाइनिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे देख रहे हैं आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में लैपटॉप से आप ओपन करते हैं, यहां पे आता है होम, आता है डीजीमेल, आता है लॉगिन, आता है। अगर डीजीमेल पे क्लिक करेंगे तो हम डीजीमेल पे पहुंच जाएंगे, डीजीमेल पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे डीजीमेल का, अब वहां से हम लॉगिन करेंगे। लेकिन हमें डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना है तो हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद देख रहे हैं इस तरह से कुछ लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसमें फॉरगेट भी ऑप्शन दे रहा है, फॉरगेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड जैसे मेरा पहले से डला हुआ था, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए और सिंग इन पे क्लिक कर दिए। सिंग इन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे, देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लॉगिन होता है डेस्कटॉप में उसी प्रकार से ऑथराइजेशन मांग रहा है, यानी लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा हम वेट करेंगे 5 से 10 सेकेंड जो कि लॉगिन हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे आने के बाद ये लॉगिन हो गया, मेरा पेज लॉगिन हो गया। पेज लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं सर्विसेज दिख रहा है, गवर्नेंस दिख रहा है, इंश्योरेंस दिख रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन है, यानी कि यहाँ से सभी काम आप कर सकते हैं। यही भी दिख रहे हैं आप यहाँ से आ रहे मोटर थर्ड पार्टी यानी कि एम्फ्रेंस कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन यानी करंट का ट्रांजेक्शन भी आपको दिखा रहा है, ट्रेंड ट्रांजेक्शन भी आपका यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे बीबीपीएफ जैसे कि देख रहे हैं, बीबीपीएफ में भी सर्विसेस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, यानी कि कहा जाए सीएफसी के जो डैशबोर्ड पे आता है, सीएफसी से जो
यानी डिजिटल सेवा पोर्टल में डैशबोर्ड को जो आता है सब आते हैं, यूजीकेशन आता है यही पे सारे सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में जैसे सर्विसेज पे हम अगर क्लिक करते हैं, सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन मेरे में यानी कि शो करना स्टार्ट हो जाएगा। जो जो भी सर्विसेज है सीएससी के सारे सर्विसेज इस डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि कहा जाए इस ऐप में सारे सर्विसेज आपके अवेलेबल है। आप कोई भी सर्विसेज में अगर काम करना चाहे तो आसानी से काम कर सकते हैं। आधार पीएफसी कोड तो आप जानते हैं, आधार पीएफसी कोड में क्या होता है जब किसी भी व्यक्ति का यानी कि फिंगरप्रिंट निकालना, लेकिन ऐसा है नहीं पीएफसी में, कोई बात नहीं आप सीधे छोड़ देंगे, लेकिन अनेक बहुत से काम आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आधार पे अगर आप क्लिक करते हैं आधार पे ओनली आधार पीएफसी के मिलता है और कोई नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे यानी कि सर्विसेज है, आप यहाँ से सर्विसेज के बारे में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपने देखा कि दोस्त कि यहाँ पे सीएससी के माध्यम से सीएससी ने जो ऐप लॉन्च किया है बेहतरीन ऐप है, मोबाइल ऐप है, मोबाइल से भी अब काम किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया का यानी कहा जाए डिजिटल सेवा पोर्टल का काम किया जा सकता है। लॉग आउट करने के लिए आप ऊपर में देख रहे हैं एक ताला का निशान बना है, जो उस ताले के निशान पे आप अगर क्लिक करते हैं इस प्रकार से तो आप वहां पे क्लिक करने के बाद सीधा सीधा लॉग आउट होकर होम पेज पे वापस आ जाते हैं। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चले कि डिजिटल सेवा पोर्टल का ऐप कैसे डाउनलोड करें, वो भी फेक ऐप से हम कैसे बच सके।